Hello student, our today's topic is properties of inverse trigonometry function more practice. सारे फॉर्मूला सारी मेथड्स आपको लर्न बाय हार्ट होगी तो उसी पर डिपेंडेंट कितनी अलग से प्रैक्टिस करने हम जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट सम है प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 अपॉन रूट 3। तो जो हमने प्रॉपर्टीज जो फॉर्मूलास किए हैं उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अब प्रूव दैट टाइप के सम में हमने बताया था कि जो सम प्रूव करना है उसमें सबसे इजी जो टर्म होता है जो सबसे नॉर्मल टर्म होता है उसको सपोज करना होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो थ्री टर्म्स हमारे पास है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहां पर हमारा सबसे जो नॉर्मल टर्म है सिंपलेस्ट टर्म है वो है tan इनवर्स x। तो यहां पर हम लेंगे tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, सो x इक्वल्स टू tan थीटा। यहां से हमने सम को स्टार्ट किया तो बाय ऑब्जर्वेशन tan इनवर्स x सबसे इजी टर्म है तो उसको हमने सपोज कर लिया थीटा, तो x इक्वल्स टू हुआ tan थीटा। नाउ सपोजिशन हमारा अगर LHS में हुआ है तो हम RHS से स्टार्ट करेंगे और RHS में सपोजिशन हो रखा है तो LHS को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां पर RHS से, राइट हैंड साइड से, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां पर हम x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट अगर आपको सपोजिशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सेकेंड ऑप्शन ये है कि यहां पर जो हम RHS से स्टार्ट कर रहे हैं तो RHS में आउटसाइड जो ब्रैकेट है वो tan इनवर्स है, तो इनसाइड जो हमको लाना है वो tan के टर्म्स में कुछ फॉर्मूला लाना है। तो tan के टर्म में कुछ फॉर्मूला लाने के लिए अगर आप tan इनवर्स को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करोगे तो अंदर आपको tan 3 थीटा की फॉर्मूला टाइप का कुछ दिख रहा है। तो यहां पर हमने x इक्वल्स टू tan थीटा को सब्सिट्यूशन में लिया तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो अगर tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपके नॉलेज में है तो भी हम x इक्वल्स टू tan थीटा सपोज कर सकते हैं। नाउ अब हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ tan इनवर्स ऑफ tan x, तो x होना चाहिए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो यहां पर ये 3 थीटा सब्सिट्यूट करने से पहले हम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आगे भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जब भी कोई फॉर्मूला कोई सम को हम प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं तो कंडीशन को फॉलो करना है, कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है। तो ये हुआ हमारा माइनस वन बाई रूट थ्री लेस देन एक्स लेस देन वन बाई रूट थ्री। नाउ एक्स इन टर्म्स ऑफ टेन हुआ तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री भी इन टर्म्स ऑफ टेन होगा और वन अपॉन रूट थ्री भी इन टर्म्स ऑफ टेन होगा, तो ये होगा माइनस टेन पाई बाई सिक्स, 30 डिग्री पर वन बाई रूट थ्री मिलता है लेस देन टेन थीटा लेस देन टेन पाई बाई सिक्स। नाउ टेन ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है
तो वो आने से और जाने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हो जाएगा -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। नाउ आवर रिक्वायरमेंट 3 थीटा, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। तो 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर 3 थीटा लिख सकते हैं। स्टूडेंट विदाउट सेटिस्फेक्शन दिस कंडीशन, आपको ये डायरेक्टली नहीं लिखना है, कंडीशन सॉल्व करने की हैबिट डालनी है। नाउ आफ्टर दिस हमने RHS से स्टार्ट किया हुआ है, थीटा की वैल्यू यहां पर सब्सिट्यूट करते हैं तो दैट इज 3 tan inverse x। नाउ फॉर द LHS ये जो 3 tan inverse x को x है उसको हम लिखेंगे tan inverse x + 2 tan inverse x। नाउ आगे हमने प्रॉपर्टी में देखा हुआ है कि 2 tan inverse x 3 फॉर्मूला में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस और इन टर्म्स ऑफ टेन। तो 2 tan inverse x, हमारी समरी को आप देखो, फॉर्मूला की प्रॉपर्टीज की समरी को, तो ये फॉर्मूला हमको मिलेगा 2 tan inverse x दैट इज इक्वल्स टू 10 inverse 2x/1 - x² एंड दिस इज इक्वल्स टू LHS। तो स्टूडेंट यहां पर हमने प्रॉपर्टीज की एक ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है विथ कंडीशन, कंडीशन को हमने सॉल्व किया हुआ है, कंडीशन सॉल्व करने की हैबिट रखनी है। नाउ एक और प्रैक्टिस ले रहे हैं जो एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इफ टेन इनवर्स x-1 x-2 + 10 inverse x+1 upon x+2 = π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। याद रखो ये x फाइंड करना है, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ सबसे पहले हम यहां पर लेंगे टेन इनवर्स x-1 upon x-2 + x+1 upon x+2 upon 1 - x-1 x-2 into x+1 x x+1 x+2 एंड दिस इज इक्वल्स टू π/4। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया है, तो फॉर्मूला आप याद करो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x y। तो आफ्टर दिस फॉर्मूला ये टेन को हम यहां पर π/4 के साथ लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा, और यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x-1 x+2 + x+1 x-2 whole upon x-2 x+2 - x-1 x+1 दैट इज इक्वल्स टू 10π/4। तो स्टूडेंट यहां पर हमने क्या किया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x की फॉर्मूला सब्सिट्यूट की है, देन टेन इनवर्स को π/4 के साथ ले गए तो 10π/4 हो गया, और यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, LCM को कॉमन और कैंसल किया हुआ। नाउ जो ब्रैकेट्स है उसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो दैट इज x² + 2x - x - 2 + x² - 2x + x - 2 एंड इन द डिनोमिनेटर
x minus 2 x plus 2, that is x square minus 4 minus x square plus 1, and over here it is 1. 10 pi by 4 is 1. ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2x 2x कैंसल, x x कैंसल हो रहा है, तो द रिमेनिंग पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 4. हियर x स्क्वायर कैंसल इन द डिनोमिनेटर एंड अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू 1. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3. So it is 2x square equals to minus 3 plus 4. So 2x square equals to 1. So x square equals to 1 by 2. So x equals to plus or minus 1 by root 2. जबी भी हम square root लेंगे तो square root का answer always plus or minus में लिखना है, ये ध्यान रखना है. तो ये हो गया हमारा एक sum जिसमें हमने जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया है और सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट की है. इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान रखना है. नाउ स्टूडेंट, अब हम जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट में जिसको बोलते हैं इंटर रिलेशन फॉर्मूला. इंटर रिलेशन फॉर्मूला यानी साइन इनवर्स एक्स गिवन है और हमको कॉस इनवर्स एक्स की जरूरत है, हमको टेन इनवर्स की जरूरत है. तो साइन इनवर्स में से कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स में से साइन इनवर्स या टेन इनवर्स में जाने का इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज है. अब यहां पर ये फॉर्मूला एकदम ध्यान से प्रॉपरली आपको सीखना है. आगे जाके काफी जगहों पर ये फॉर्मूलाओं का हम यूज करेंगे और समझ लो कि ये चैप्टर के अंदर कोई ना कोई सम एग्जाम में आपको ऐसे आना ही आना है कि जिसमें इंटर रिलेटेड फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. तो ये फॉर्मूला क्या है, जरा एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का ट्राई करो. साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. और साइन इनवर्स में से कॉस इनवर्स में जाएंगे और साइन इनवर्स में से अगर टेन इनवर्स में जाना है तो द फॉर्मूला इज टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. साइन अपॉन कॉस करके आप याद रख सकते हो. अब या तो ये फॉर्मूला को लर्न बाई हार्ट करो या फिर ये लर फॉर्मूला लर्न करने की टेक्निक सीखो. टेक्निक कैसे, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स हमको गिवन है तो साइन इनवर्स एक्स, साइन की फॉर्मूला याद करो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अगर इसको मैं अपना थीटा मान लू तो ऑपोजिट ये हुआ और ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट नहीं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये साइन इनवर्स एक्स जो है उसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एक्स और ये हाइपोटेनियस हुआ वन. पाइथागोरस लगाएंगे तो ये होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस और ये थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा एडजेसेंट साइड हुआ वन माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ साइन इनवर्स एक्स बाई वन, हमने लिटल लिटल ट्राइंगल, इसको एक ऐसे लिटल लिटल ट्राइंगल में उसको हमने बता दिया है. तो उसके बाद जो साइन इनवर्स एक्स है वो कॉस इनवर्स के टर्म में हम ले जाएंगे तो ये ट्राइंगल में कॉस की फॉर्मूला बोलनी है. अगर आपको कॉस की फॉर्मूला याद है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो वहां होगा कॉस इनवर्स एडजेसेंट वन माइनस अंडर रूट अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज वन. ये हो गया. और अगर हमको साइन इनवर्स एक्स में से टेन इनवर्स एक्स में जाना है तो फॉर्मूला याद करनी है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो टेन इनवर्स हुआ ऑपोजिट, यहां पर एक्स है और एडजेसेंट है यहां पर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू लिटल लिटल ट्राइंगल हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हमको साइन इनवर्स
थ्री बाई फाइव गीवन है, तो बाई फॉर्मूला भी आप जा सकते हो कि साइन इनवर्स में से मुझे कॉस इनवर्स चाहिए तो वो भी फाइंड कर सकते हो बाई फॉर्मूला, और बाई फॉर्मूला टेन इनवर्स भी फाइंड कर सकते हो। और अगर फॉर्मूला आप नहीं करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट लिटल लिटल ट्राइंगल से भी हम जा सकते हैं। साइन की फॉर्मूला हुई ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये थ्री एंड ये फाइव। एडजेसेंट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम एडजेसेंट होगा फोर, और आफ्टर दिस कॉस इनवर्स फाइंड करना है। लिटल लिटल ट्राइंगल बनने के बाद कॉस इनवर्स फाइंड करना है तो वो होगा फोर बाई फाइव। अगर टेन इनवर्स फाइंड करना है तो वो होगा थ्री बाई फोर। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना है, ट्राइंगल का यूज नहीं करना है, तो फॉर्मूला याद रख सकते हो। फॉर्मूला भी याद नहीं रखनी है तो ओरिजिनल एक्स वाला ट्राइंगल बनाओ और फॉर्मूला डेवलप करो, उसके बाद फॉर्मूला यूज करो। अब वैसे ही अगर मुझे चाहिए कॉस इनवर्स एक्स का इंटर रिलेशन फॉर्मूला, तो कॉस इनवर्स एक्स का इंटर रिलेशन फॉर्मूला फाइंड करना है तो याद करो कॉस की फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, x that is adjacent upon hypotenuse, and according to Pythagoras ये हो जाएगा हमारा 1 minus x square, जो ये angle के relation में opposite होगा। After this अगर हम sin inverse इस पर से develop करेंगे तो वो होगा हमारा opposite upon hypotenuse under root 1 minus x square। अगर यही cos inverse में से हम tan inverse develop करेंगे तो वो टेन इनवर्स हमारा होगा ऑपोजिट, दैट इज अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। वैसे ही अगर हम टेन इनवर्स का यूज करते हैं, अगर टेन इनवर्स गिवन है और हमको साइन और कॉस में जाना है तो उसका भी लिटल लिटल ट्राइंगल बना दो। टेन इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहां पर एक्स अपॉन वन होगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो अब हमको कॉस इनवर्स चाहिए तो फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस वो होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर उस पर से टेन इनवर्स पे से साइन इनवर्स चाहिए तो साइन इनवर्स होगा हमारा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट बाई ट्राइंगल जाओ या बाई फॉर्मूला जाओ, हमको ये इंटर रिलेशन आना चाहिए। वंस अगेन साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डेवलप लर्न बाई हार्ट नहीं करना है तो डेवलप करना सीख जाओ। साइन इनवर्स एक्स That is opposite upon hypotenuse. तो by Pythagoras हमने find out किया उसका adjacent. और after adjacent हमको cos inverse, cos का formula आता है, adjacent upon hypotenuse हमको tan आता है, opposite upon adjacent. तो ये interrelation formula develop किया। कॉस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो कॉस इनवर्स एक्स का लिटल लिटल ट्राइंगल डेवलप करो, फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगी। टेन इनवर्स एक्स का इंटर रिलेशन याद करना है विथ टर्म्स ऑफ कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन, तो tan इनवर्स x का लिटल लिटल ट्राइंगल ड्रॉ करो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट से। पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस फाइंड करो और उसकी हेल्प से cos इनवर्स sin इनवर्स डेवलप करो। तो ये इंटर रिलेशन फॉर्मूला है, इस पर डिपेंडेंट अब सम करते हैं। स्टूडेंट एक प्रैक्टिस करते हैं इंटर रिलेशन की। नाउ फाइंड द वैल्यू tan of sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2. अब स्टूडेंट ये जो सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहां पर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी,
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई या फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दे रखा है तो एडिशन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जब भी हमको दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो कुछ भी थिंकिंग नहीं करना है, थिंकिंग इतना ही करना है कि यूज इंटर रिलेशन, जो भी इनवर्स दे रखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसको टेन में कन्वर्ट करो बाय हुक बाय कुक। नाउ टेन, अब यहां पर साइन इनवर्स 3/5 जो है वो हमको 10 में कन्वर्ट करना है। तो देर आर टू मेथड्स, या तो आप लिटल लिटल ट्रायंगल यूज करो जो मैं यहां पर कर रहा हूं। साइन इनवर्स की फॉर्मूला जो है वो है, हम यहां पर ये थीटा लेकर अगर काउंट करते हैं तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी ये हुआ 3 और ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस तो ये हुआ 3 एंड ये जो 5 है वो हाइपोटेनियस होगा वो होगा 5। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अगर हम यूज कर रहे हैं तो पाइथागोरस के हिसाब से ये एडजेसेंट है वो मिलेगा हमको 4। और साइन इनवर्स का ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद डायरेक्टली हम कॉस इनवर्स की फॉर्मूला में जा सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 4/5। या टेन इनवर्स की जरूरत है तो टेन इनवर्स दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4। तो ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाने से हमको कुछ भी मिल सकता है। मैंने यहां पर कॉस इसलिए फाइंड किया कि ट्रायंगल के यूज से हम साइन इनवर्स में से कॉस में भी जा सकते हैं, टेन में भी जा सकते हैं। तो या तो आप इस मेथड को फॉलो करो, और ये मेथड फॉलो नहीं करनी है तो आप इंटर रिलेशन फॉर्मूला का यूज करो। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² का भी यूज कर सकते हो। यहां पर इन द प्लेस ऑफ एक्स आपको सब्सिट्यूट करना है 3/5 और उसका सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो या तो लिटल लिटल ट्रायंगल का यूज करो या तो फिर इंटर रिलेटेड फॉर्मूला का यूज करो। तो यहां पर हमको ये मिलेगा टेन इनवर्स 3/4। नाउ कॉट इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1/x, हमने इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज किया 2/3। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x। तो स्टूडेंट यहां पर हम जब लिटल लिटल ट्रायंगल का यूज करेंगे तो जब आप साइन इनवर्स की वैल्यू से टेन इनवर्स लिखते हो तो साइड पर आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करके प्रॉपरली टेन इनवर्स की वो ट्रायंगल पर से फॉर्मूला लिखनी है। तो यहां पर हमने ये कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अब टेन इनवर्स के अंदर ये दो जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वो एडिशन के लिए तैयार हो गए हैं। तो एडिशन के लिए तैयार हो गए तो उससे पहले हम उसका कंडीशन चेक करेंगे। तो 3/4 इंटू 2/3 तो ये हुआ लेस देन 1। याद रखो ये हुआ लेस देन 1, तो ये हुआ हमारा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 - 3/4 इंटू 2/3। नाउ सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है मैंने आपको बताया था। तो यहां पर ये जो हमारा फॉर्मूला बना है और आगे टेन इनवर्स तो आता ही है, टेन इनवर्स का फॉर्मूला तो आता ही है। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स यहां पर सिंप्लीफाई कैसे करना है हमने बताया था, कुछ भी कट नहीं करना है और डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 3 = 9 प्लस 4 2 = 8 अपॉन 4 3 = 12 -6। एलसीएम आया और एलसीएम गया। सो दिस इज 10 ऑफ 10 इनवर्स, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 17/6 हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 17/6 बिकॉज 17/6 बिलोंग्स टू आर। कंडीशन का अगर यूज करें तो 10 ऑफ 10 इनवर्स x इक्वल्स टू x
व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर। तो स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला हमने किया जिसमें हमने इंटर रिलेशन का यूज किया हुआ है। नाउ स्टूडेंट वन मोर सम, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 63/16। नाउ LHS से स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब आंसर हमको टेन इनवर्स में ही चाहिए, तो टेन इनवर्स में एडिशन है, इनवर्स का एडिशन है या इनवर्स का सब्ट्रैक्शन है, वो टेन इनवर्स से ही पॉसिबल बनता है। सपोज बोल रहा हूं, यहां पर आपको टेन इनवर्स की जगह पर शायद कॉस इनवर्स प्रूफ करने का बोले या साइन इनवर्स प्रूफ करने का हो, तो भी आपको सम को पहले टेन इनवर्स में ही ले जाना है, और टेन इनवर्स में सम को कन्वर्ट करने के बाद वंस अगेन ट्रायंगल का यूज करके बाद में कॉस इनवर्स पे जाना है। तो समझ लो कि ये सम में जो ये टेन इनवर्स है उसकी जगह पर हमको कुछ कॉस इनवर्स समथिंग कुछ बोला है प्रूफ करने के लिए या साइन इनवर्स बोला है, तो भी हम पहले ये सम को टेन में कन्वर्ट करेंगे, और टेन में कन्वर्ट करने के बाद उसका वंस अगेन लिटल लिटल ट्रायंगल बनाएंगे, और उसके बाद हम कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में जाएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले साइन का ट्रायंगल बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ये 5 हुआ, ये 13 हुआ, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट ये हुआ 12। तो यहां पर ये टेन इनवर्स का हमारा फॉर्मूला हुआ 5/12। वैसे ही हम कॉस इनवर्स के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, तो द फॉर्मूला इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो 3 ये 5, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट ये हुआ हमारा 4, और हमारा फॉर्मूला बनेगा प्लस टेन इनवर्स 4/3। आप ट्रायंगल को लिखना है, ट्रायंगल बनाने के बाद साइड में जो हम टेन इनवर्स का फॉर्म लिख रहे हैं उसको ऐसे शो भी करना है। यहां पर सबसे पहले लिखना है साइन इनवर्स इक्वल्स टू 5/13, फिर ट्रायंगल बनाना है और उसके बाद ये लिखना है, ये पूरी प्रोसीजर हुई। अब हमको करना है इसका एडिशन, तो एडिशन करने से पहले उसको हम कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, तो 5/12 इंटू 4/3 विच इज लेस देन 1, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होगा टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 - 5/12 इंटू 4/3। नाउ आफ्टर दिस ये हमारा होगा टेन इनवर्स 5 × 3 = 15, 12 × 4 = 48 अपॉन 36 - 20। एलसीएम लेना, एलसीएम लेके डायरेक्टली कैंसल करना है, कुछ कट करना हो तो भी नहीं करना है, तो डायरेक्टली ये टर्म्स हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू उसको सिंप्लीफाई करो तो 63/16। अगर ये टेन, ये हमारा हुआ RHS साइड, अगर हमको ये टेन इनवर्स में से कॉस इनवर्स में जाना है तो वंस अगेन हमको लिटल लिटल ट्रायंगल बनाना है, ये टेन इनवर्स आंसर में कॉस इनवर्स लाना है तो भी टेन इनवर्स पर तो जाना ही जाना है, तो टेन इनवर्स में जाने के बाद उसका लिटल लिटल ट्रायंगल बनाने के बाद फिर आप कॉस इनवर्स में जाना है तो वहां भी जा सकते हो, साइन इनवर्स में जाना है तो वहां भी जा सकते हो। तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि जिसमें हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज में एक नई प्रॉपर्टी ऐड किया है, इंटर रिलेशन फॉर्मूला। तो वो इंटर रिलेशन फॉर्मूला जो यूज किया है, लिटल लिटल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी डेवलप करके कर सकते हैं, बट प्रॉपरली उसको फॉलो करना है, प्रॉपरली होमवर्क करना है, वीडियो देखना है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा।